हर मुट्ठी में है साइंस। पहले पहल उड़ान की कोशिशें कुछ ऐसी ही थी, लेकिन हर बार फेल। फेल तो होनी ही थी, हम इंसान उड़ने के लिए बने ही नहीं, उड़ने के लिए तो बने हैं पंछी। हल्का ढांचा, खोखली हड्डियां, तगड़ी मांसपेशियां, शरीर के अंदर हवा से भरी थैलियां और बाहर पंख, खूब लचीले और हल्के लेकिन बड़े मजबूत। पंखों में भी हवा भर जाती है और उड़ान के समय आकार ऐसा बढ़िया एयरफॉइल कि खूब ऊपरी उछाल। शरीर के अंदर भी सब कुछ हाई स्पीड, हृदय तेज धड़कता है, शरीर खूब गर्म, हमसे 7 से 8 डिग्री ज्यादा, हाजमा भी तेज, सब कुछ तेजी से ऊर्जा देने के लिए। पक्षी खाते भी ज्यादा हैं, कुछ तो अपने वजन से 2 से 3 गुना खाना हर रोज। वैसे कुछ डायनासोर भी उड़ते थे, बहुत बड़े शरीर और बहुत विशाल पंख, लेकिन उनका आकार और बनावट उड़ने के लिए सही। वैसे भी उड़ान में ये मायना नहीं रखता कि वजन या साइज कितना है, आफ्टर ऑल ऐसा होता तो बोइंग विमान कैसे उड़ सकते। छोटे हों या बड़े, हम इंसानों का शरीर उड़ान के लिए बिल्कुल गलत। भारी और इतनी सारी ठोस हड्डियां, साथ में मांसपेशियां जो बहुत जल्दी थक जाती हैं। इनफैक्ट अगर हम अपनी बाहों पर पक्षी की तरह पंख लगा भी लें तो भी हम उन्हें पक्षी की तरह चला ही नहीं सकते, उसके लिए हमारे पास मांसपेशियां ही नहीं, ना ही है इतनी ऊर्जा। इसलिए याद रखें कि हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो पंछी नहीं कर सकते, लेकिन पंछियों की तरह उड़ नहीं सकते। मैमल्स में यानी स्तनधारियों में अकेला एक ही प्राणी उड़ सकता है, और उसमें और हम इंसानों में क्या फर्क है ये तो हम सब देख सकते हैं।